अरे सर माई गाड़ी कर रहे हो, हमें क्या करना तुम्हारे पास, हमने तुम्हारे कैमरे वगैरह करना। भाई लास्ट क्लास का असाइनमेंट कहाँ पर है? अरे लड़कों लास्ट क्लास का असाइनमेंट किसका? माइक ओपन नहीं है। असद, सरमद, हमजा। सही है, दोनों हमजा आए हुए हैं। सही है, सही है। अच्छा सही है, हमजा अली भी है और हमजा अली भी है। ठीक है, 9 लोग हैं, अभी भी कोई एक कम है। असद भुट्टो है, सरमद है, अली रेहान है, नईम, सैयद हमजा अली है, हमजा अली है, सारिम है, सारिम है, कोई एक बंदा कम है अभी भी, है ना? मरवान, मरवान को जरा मैसेज तो करो, मरवान को मैनेज करो, पता करो जरा मरवान का। अब्दुल वासी भी नहीं है। सरमद, अब्दुल वासी को मैनेज करो जरा। अब्दुल वासे नहीं है और मरवान नहीं है हमारे पास, जरा इनको मैसेज करो जल्दी जल्दी। वैसे ही अब्दुल वासे आता है, वो कहता है सर वो मैं बहुत छुट्टियों के बाद आ रहा हूँ। अब्दुल्ला भी नहीं है जी, अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। मरवान इस ग्रुप पे, इसका नंबर है अब्दुल वासी का? वासी से
अरे आवाज तुम्हारी। बलवान इज कमिंग आई थिंक। यार ये जो भी है ना, ये नहीं पड़ेगा। भाई माइक किसने ऑन किया भाई? ये रिपीटेशन आ रही है किसी की तरफ से बहुत ज्यादा। यार तुम लोग कोशिश किया करो काइंडली, थोड़ा 5-10 मिनट पहले सिस्टम अपने अपने ऑन कर दिया करो, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने आज वो डेस्टी प्लस प्लस जो इंस्टॉल कर दिया होगा। वालेकुम सलाम मरवान, डेस्टी प्लस प्लस सबने इंस्टॉल कर लिया होगा यकीनन। शाबाश मरवान, मेरे मरने के बाद में सॉल्व कर लोगे? हाँ आज आज लाजमी कर लेना मरवान, ठीक है। अच्छा यार अभी भी सिर्फ 8 ही लोग हुए हैं। मरवान अब्दुल वासे कहाँ हैं? पता करो, पता करो। पता करो ना, अगर पॉसिबल है मैसेज वैसे छोड़ो उसको। चलो खैर चलो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जी बोलो। यार अगली 2 क्लासेस में प्रेजेंट आ जाना, मैं पब्लिक तुम्हारे लिए पब्लिक कर दूंगा। अच्छा यार एक और बात सुन लो। अच्छा देख मिनट, एक मिनट, अब तुम अभी बात करना, एक छोटी सी बात करने दो। सीन ये है कि भाई मैंने सेंटर में, जी बोलो मरवान। अच्छा यार माइक अपना ऑन कर लेना, फिलहाल बंद कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात करनी है, सुन लो पहले। सब नहीं माशाल्लाह से ऑन किया। अच्छा एक छोटी सी बात करनी है। सीन ये है कि भाई अभी मैंने सोचा ये था कि ताकि अटेंडेंस पूरी रहे, मैंने भी सोचा था और सेंटर ने भी मुझे कहा था कि आप ऐसे ट्राई कर लें, तो होगा ये कि भाई अटेंडेंस का सीन हमने इस तरह से बनाया है कि लेक्चर्स मिल जाएंगे तुम लोगों को, बट उसकी एक शर्त होगी। उसकी शर्त ये होगी कि अगर तुम्हें आज का लेक्चर चाहिए और अगर आज तुम आज प्रेजेंट हो तो मैं ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा आजकल में, या जो भी मुझे टाइम मिलेगा कोशिश करके करीब करीब में, जितना भी मुझे पॉसिबल हुआ जितना करीब हो सके मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन जो बंदा आज एबसेंट है, जैसे अब्दुल वासी एबसेंट है, अब अब्दुल वासी अगर वहाँ क्लासरूम पे ऐड होगा भी ना, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि मैं सेलेक्ट करूँ उन लोगों को जिनको मुझे पोस्ट दिखानी है। जैसे फेसबुक पर होता है ना, ओनली मी पे अगर मैं टैप करूँ या जिन फ्रेंड्स को दिखानी है उन फ्रेंड्स के लिए पोस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है, जो क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं मैं चाहूंगा तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो बंदा आज प्रेजेंट होगा उसके लिए तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, लेकिन जो आज प्रेजेंट नहीं होगा उसके लिए मैं आज पब्लिक नहीं करूंगा। जब वो अगली 3 क्लासेस के अंदर प्रेजेंट रहेगा एक के बाद एक, ठीक है, तो फिर उसका होगा उसकी उसके लिए वो वाली वीडियो जो है वो पब्लिक हो जाएगी, ठीक है। तो तुम लोग भी ध्यान रखना, कोशिश करना एबसेंट ना हो। मरवान तुम भी, खास तौर पे मरवान भी और हमजा अली भी और नईम, तुम तीनों लोग कोशिश करना एबसेंट बिल्कुल भी ना हो। और असद तुम भी लास्ट क्लास में नहीं आए थे, कोशिश करना कि एबसेंट ना हो, ठीक है। और ये असद दूसरा किस कौन है? ये एक और असद आ रहे हैं यहाँ पर,
अपने आप को बेशक अनम्यूट कर लो, असद तुम बताओ मुझे कि ये कौन है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करना कि एब्सेंट हो। चलो कोशिश करना, तुम लोग एब्सेंट हो, कोई बात नहीं। हाँ, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूँ कि यार जो जो एब्सेंट हुए थे ना लास्ट क्लास में, तुम्हारे अलावा भी जो एब्सेंट हुए थे, वो कोशिश करें कि अब नेक्स्ट क्लास से एब्सेंट ना हो। ठीक है, और स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आज हमें पढ़ना था बेसिकली, अगर देखा जाए तो हम लोग सी लैंग्वेज का जो काम है वो कर रहे हैं, और हमने सी के अंदर बेसिक्स कुछ सी की पढ़ ली है। ठीक है, हमने सी की डेटा टाइप्स देख लिए थे, हमने ऑपरेटर्स देख लिए थे, हमें इनपुट और आउटपुट भी देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, हमने कंडीशंस देखी हैं आज से। सही है, जो कंडीशंस हम लोगों को पता है, कंडीशंस कोई नई नहीं है। ठीक है, हम कंडीशंस वही करेंगे, ये कंडीशंस वही हैं जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ एक मरतबा देख लो, पढ़ा नहीं रहा मैं, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कंडीशंस का सीन ये है कि यहाँ पर एपटेक के अंदर तुम लोगों को जो बुक्स मिली होंगी या बुक्स लोगे, कोशिश करना कि अब इसके बाद जब भी एपटेक आओ ना, तो बुक्स फौरन ले लो, ताकि इसके जो एग्जाम्स वगैरह ना वो फिर जल्दी जल्दी निपटाकर उसको साइड करें। ठीक है, ताकि फिर आगे सेमेस्टर नेक्स्ट जो शुरू होगा ना, उसके अंदर कोशिश ये करेंगे कोई एग्जाम पेंडिंग ना पड़वाओ, जो सब्जेक्ट क्लियर करें फौरन फौरन उसका एग्जाम देते रहें, या दो सब्जेक्ट्स का फौरन फौरन एक साथ एग्जाम देते रहें, जैसे अभी किया है, कंप्लीट करके उसका एग्जाम दिया, अभी भी नेक्स्ट भी आगे ऐसे ही करना है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम यार एफटेक आने के बाद ही होगा ना, 5 अप्रैल के बाद इंशाल्लाह। दुआ है यार इंशाल्लाह ये जो वायरस है ना ये कम हो जाए, और मेरी इवन अब तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि 5 अप्रैल को लाजमी ये जो स्कूल वगैरह कॉलेज हैं ये खुलें, और सारे हालात सही होने के बाद 5 अप्रैल तक सब सही हो जाए अल्लाह करे। ठीक है, क्योंकि आप बहुत मैंने भी सुना है कराची के अंदर भी कुछ डेथ वगैरह हुई है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ चले। यार आज तो मैंने अभी सुबह से टीवी नहीं देखा, सुबह उठने के बाद मैं क्लासेस ही ले रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, तो ये इफ एल्स वगैरह का वही सीन है जैसे पहले हम करते थे। ठीक है, बिल्कुल भी कुछ डिफरेंट नहीं है, सब कुछ वही पुराना है। ठीक है, आज एक ट्विस्ट ट्विस्ट यानी तुम लोगों ने करना है, मैंने नहीं करना। अच्छा सुन लो, घर से ही करके लेकर आना है कि ना ग्रेटर नंबर पता करना है। यूजर दो वैल्यूज एंटर करेगा, तुम्हें पता ये करना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है इफ एल्स के थ्रू। ठीक है, और नो इंटरनेट, नो छपाई। यार वो कोड से होगा, तुम्हें पता है ये इफ से चेक करना है कि ये इनपुट ये वाला बड़ा है तो ये शो कर दो, एल्स के अंदर वरना दूसरा नंबर शो कर दो। और मुझे किसी ने वो वाला काम करके नहीं दिया, वो वाला जो टास्क क्लास क्लास में मैंने दिया था, मरवान तुमने भी नहीं दिया बेटा। जी अली साहब, आपने भी एक उठाया है मुझे लग रहा है, या खुद किया है? अच्छा चलो गुड। मरवान लास्ट क्लास में जो कुछ टास्क किया था मैंने, वो स्वैप करना था ए की वैल्यू बी में, बी की वैल्यू ए में। यार व्हाट्सएप पे सबमिट नहीं करना मरवान, तुम्हें क्लासरूम पे सबमिट करना है। व्हाट्सएप का मसला है कि इसमें रिकॉर्ड जमा नहीं होगा, तुम लोगों की क्लास प्रोग्रेस इस क्लासरूम से बनवाऊंगा। हाँ सबमिट कर देना, मैंने तुमसे कहा था सबमिट कर देना, मैंने तुमसे इसलिए कहा था ना वहाँ पे कि सबमिट कर देना। चलो अच्छी बात है, गुड। अच्छा तो भाई वही इफ एल्स का काम करना है, यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, काम बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, देखते अब। अच्छा मेहमान स्टार्ट कैसे करते हैं याद है तुम्हें? हाँ बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैंने कुछ डेटा चेक करना है, मैंने लिया एज इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, अभी मैंने यूजर इनपुट नहीं लिया, यूजर इनपुट ले सकते हैं। मैंने चेक की एफ एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18।
नहीं यही तो नहीं करना। अरे कह सकते हो SN3। देखते हैं क्या होता है। तो भाई क्या आंसर आ रहा है योर गुट्टू को? क्यों? क्योंकि हमने एज जो थी वो 18 से अब चेक की थी, तो एज बिल्कुल सही चेक हो रही है। अच्छा कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी, जिसके लिए नया लग रहा हो, जिसको किसे नहीं आ रहा? सारिम, सारिम क्या चीज नहीं लग रही है तुम्हें? बिल्कुल सब कुछ नया लग रहा है। अरे तुम्हें, अरे तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम तो कह रहे थे तुम जावास्क्रिप्ट में आए नहीं, तो तुम्हें समझ में कैसे आ रहा है? जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा मैंने, अच्छा, मैं तुम मुझे लगा तुम कह रहे थे कि तुम बिल्कुल में नहीं आए हो। खैर यार सारे मसले ये कि हम ये 21 से बड़ी हो तो सही चल रहा है ना ये। यार गुट्टू को लिखवाएगा। अच्छा सारिम, मैं सारिम को तुम्हें भी समझाता हूँ, सारिम को भी समझाता हूँ। देखो सारिम हुआ ये है कि तुम्हें वेरिएबल तो बनाना आ गया ना, वेरिएबल यानी एग्जैक्टली डेटा टाइप है, डेटा टाइप है इंटीजर, और जो नेम है वेरिएबल का वो एज है, ठीक है, और उसको वैल्यू असाइन कर दी 21। अब मसला ये है कि मैं बैठा हूँ एक बैंक के अंदर, ठीक है, मैंने हर आने वाले बंदे की एज पूछनी है, जो भी बंदा बैंक के अंदर आएगा उसकी एज पूछनी है, और उससे ये कहना है कि जी अगर आपकी जो एज है वो 18 से अबव है, ठीक है, उससे उसकी एज पूछनी है, और मैं उससे कहना है कि जी अगर आपकी एज जो है वो 18 से अबव होगी तो मैंने आपको अंदर देनी है, आपको अंदर आने लगे, ठीक है, यानी अगर आप मेरी बात जो उसको सेटिस्फाई करते हो तो मैं आपको अंदर आने दूंगा, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप मेरी बात को सेटिस्फाई नहीं करते तो क्या करूंगा मैं? आपको अंदर आने नहीं दूंगा बिल्कुल, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप मेरी बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख इसको इस तरह से रहूँ। देखो मैंने लिखा अगर खालिद साहब की एज बड़ी है या बराबर है 18 के, तो आप उनको कह दो यू आर गुड टू गो, वरना हाँ बिल्कुल वरना गेट आउट। सही है, प्रिंट एफ यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेट होता है, जो कि आपको कोई भी लाइन अगर प्रिंट करानी है, कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, कुछ भी प्रिंट कराना है, तो आप प्रिंट एफ लिखोगे, ठीक है, मतलब यहाँ तक। यूजर इनपुट चाहिए तुम्हें? अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि मैंने गलत लिखा है? मरवान अली, सैयद हमजा अली, और लास्ट क्लास में और कौन कौन थे भाई आज के? सरमद, तुम में से कौन कौन कह रहा है मैंने गलत लिखा है? सरमद बताओ मैंने गलत लिखा है कुछ? जी तो मिस्टेक हो रही है। अच्छा लेकिन स्कैन ऑफ तो यूजर के लिए, यूजर इनपुट के लिए होता है ना, डोंट यू थिंक सो? अली कोई भी कोई बता दे, कोई मिस्टेक कर रहा हूँ मैं पूरे फॉर्मेट के अंदर ही, पूरी लाइन के अंदर? इंट लिखा है, INT खुद कह रहे हो और कह रहे हो इंट नहीं लिखा आपने,
रहे हो क्या? एक मिनट यार, विंडो क्लोज कर दूँ करके। तो बताओ, कुछ मिस्टेक नहीं लग रहे हैं तुम लोगों को? चलो देख लेते हैं। अच्छा, कोई मिस्टेक थी भी नहीं। सारे देखो, मैंने एज एंटर की, अब एज अगर 18 से बड़ी होगी तो ये मुझे एरर शो करेगा यू आर गुड टू गो। अगर छोटी होगी 18 से तो क्या एरर शो करेगा मुझे? ये गेट आउट का एरर शो करेगा। बताते हैं, एक मिनट को बताते हैं। लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए सारे? देखना, मैं 12 एंटर करता हूँ, ये गेट आउट कह रहा है। अब देखना परसेंटेज डी वगैरह क्या लिखा हुआ है। देखो, जब भी यूजर इनपुट लेता है ना, तो ये स्कैन है। स्कैन का मतलब होता है इनपुट, और एफ का मतलब होता है फॉर्मेट, इनपुट का फॉर्मेट। इनपुट का फॉर्मेट ये फंक्शन है बेसिकली, बना बनाया है, इनका अपना फंक्शन है प्रीडिफाइंड। स्कैन एफ का मतलब होता है स्कैन फॉर्मेट, ठीक है, और ये इनका इनपुट लेने के लिए इनका प्रीडिफाइंड फंक्शन है पहले से बना हुआ, सही है। ये यूजर से इनपुट लेता है। यहाँ पे आपको अपना बताओ, एंटर द एज, तुम्हें तो ये रहेगा, तुम एज से पहले बताओगे ना ये, तो यहाँ पे लिख दो तुम। अब मुझे यहाँ पे कैसे लिखना है? प्रिंट एफ। यार तुम लोग 10 लोग हो इस वक्त यहाँ पे मेरे ख्याल से। तुम लोगों में से क्लास ज्वाइन 9 लोगों ने की हुई है। कौन सा ऐसा बंदा है जिन्होंने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया हुआ? हाँ, तुम लोगों में से कौन सा बंदा है जिसने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया हुआ? अच्छा, ये बैक स्लैश एन जो है ना, तुम्हारी लाइन को ब्रेक करने के काम आता है। यानी आप देखना, एज जो है वो नेक्स्ट लाइन में एंटर की जाएगी। मरवान, तुमने किया हुआ गूगल क्लासरूम ज्वाइन? हाँ मेहरबान, तुम जिसने नहीं किया हुआ ना यार, वो नुकसान में रहेगा, क्योंकि क्लास का कोड जो होता है ना, अब मैं सेंटर में तो रख नहीं सकता, या तुम लोगों के घर पर आके दे नहीं सकता। जितना भी क्लास में हम कोड करते हैं वो मैं वहां पे अपलोड कर रहा होता हूँ। तो अगर तुम लोग अपने पास रखोगे तो फायदा होगा, गूगल क्लासरूम में एनरोल हो जाओ, बहुत फायदा होगा। एंटर योर एज, गुड। जिस जिसने नहीं किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ज्वाइन कर लो वरना फिर नुकसान में रहोगे, क्योंकि कोड वहीं पे रखता हूँ मैं। अच्छा देखो, अब मैं 21 एंटर करता हूँ, तो देखो अब क्या लिखा हुआ है, यू आर गुड टू गो। ठीक है, इफ अगर खालिद साहब आपकी एज बड़ी है या बराबर है 18 से, तो आप बैंक में गुड टू गो। और अगर एल्स, वरना, एल्स का मतलब होता है वरना, इफ का मतलब होता है अगर। क्या मतलब होता है एल्स का? वरना, और इफ का मतलब होता है अगर। तो इफ योर एज इज अबव 21, यानी इफ योर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो आप बैंक में आ सकते हो, यू आर गुड टू गो, और वरना गेट आउट। ठीक है, अच्छा बिल्कुल। अब मैं क्या कह रहा था, तुम लोगों से इवन नंबर निकालना है तुम लोगों ने, और नंबर का पता करना है कि जी नंबर ग्रेटर देन कौन है, सही है? ग्रेटर देन नंबर, ग्रेटर देन जो ग्रेटर नंबर है वो पता करना है। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम मैं करके दिखा देता हूँ। अभी तुम लोगों को मैं 2 नंबर्स के अंदर से पता करके बता रहा हूँ, तुम लोगों ने 3 नंबर्स के अंदर से काम पता करना है। 3 नंबर अगर दिए हुए हैं तो उसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, मैं 2 नंबर से बात कर रहा हूँ, 3 नंबर से बात कर लेना, और ज्यादा आसान है 3 नंबर से बात करना। 2 नंबर से बात करना, जैसे एक कंडीशन बढ़ा दो तो 3 नंबर के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये सीटियां कौन बजा रहा है यार? नंबर टू। अच्छा, पूरा पूरा नहीं। अच्छा, करना यह है कि 2 नंबर यूजर से इनपुट लेना है, और इन दोनों नंबर से कौन सा नंबर ग्रेटर है ये बताना है। ठीक है, मैं फिलहाल तुम्हें बता रहा हूँ कि इनपुट कैसे लेना है, और ये 2 नंबर के साथ मैं करके बता रहा हूँ। तुम्हारा टास्क यह है आज का घर का, कि तुम लोगों ने 3 नंबर के साथ ये काम करना है। ठीक है, और ठीक है का मतलब है शाम तक तुम सबमिट करा देना। ठीक
ठीक है ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं, प्रिंट एफ, हाँ उससे पहले लिख के भी तो बताएंगे ना यूजर को, इसलिए परसेंटेज डी कॉमा एंड एम परसेंट और अच्छा और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँ, तो यहाँ पे भी backslash n escape sequences में से एक escape sequence होता है। escape sequence का मतलब होता है कि आप लाइन को किस तरह से escape कर रहे हो। एंटर नंबर एंड टू, जी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यूजर जब एक वैल्यू एंटर करे तो उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू का ऑप्शन है। ठीक है बिल्कुल हो सकता है, जैसे तुम कह रहे हो बिल्कुल हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तुम यहाँ पे 2% डी लिख दो, यहाँ पे एम परसेंट नंबर वन कॉमा नम टू, ऐसे कर सकते हो। अच्छा हम कुछ तकरीबन 6 से 8 मिनट के अंदर ना सेशन में एक्सपायर करूंगा ये वाला, और नया सेशन ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें 40 मिनट का टाइम होता है, तो वो 14 मिनट जो है वो मेरे भी कम्प्लीट होने वाले हैं। ठीक है अब काम करना है जी, हमने इनपुट ले लिया, सेव करा लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ एस्केप सीक्वेंस का होता ही है कि एस्केप सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि आप लाइंस को किस तरह, यानी लाइंस को या किसी भी चीज को किस तरह से एस्केप सीक्वेंस एस्केप कराते हो। हमें लास्ट क्लास में पढ़ा था एक बैक स्लैश टी क्या करता है, 8 स्पेसेस क्रिएट कर रहा होता है, यानी जो टैब होता है ना, एक टैब हम टैब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, स्पेस क्रिएट होती है वर्ड के अंदर। ऐसे ही जो बैक स्लैश टी होता है, ये थोड़ी सी ये भी स्पेस क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है लास्ट क्लास हमने ये भी देखा था बैक स्लैश एन क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है, तो ये दोनों एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। इफ एल्स टू डॉट सी, क्या हो गया, हो गया सही। ठीक है अच्छा अब तुम लोग जरा साथ दो और ये बताओ कि किस तरह से कंडीशन बननी चाहिए इसकी। अच्छा तुम बताओ, अच्छा हाँ चूज ये करने, ग्रेटर नंबर कौन है, गुड शाबाश, बस यही सुनना चाह रहा था मैं मरवान, शाबाश। नंबर वन इज ग्रेटर देन नम टू, तो क्या करेंगे, तो फिर मैं लिखूंगा कि नंबर वन इज ग्रेटर, ठीक है ग्रेटर में, नंबर वन इज ग्रेटर, नंबर टू। अब मुझे चेक करना है जी, नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, एल्स की कंडीशन पे क्या लगा दूंगा मैं, यानी एल्स की कंडीशन नहीं होती, एल्स में क्या लग दूंगा, एल्स रिटर्न क्यों, ये फंक्शन थोड़ी है, रिटर्न वाला जो फंक्शन है वो क्या कर रहा होता है अभी, रिटर्न वाला, अब जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो रिटर्न वाला फंक्शन भी देखेंगे, वो क्या कर रहा होता है, रिटर्न वाला फंक्शन हमेशा ऐसा होता है जो किसी ना किसी टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा होता है। अभी तो हमें कोई टाइप का डेटा रिटर्न नहीं करना, अभी हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमारा नंबर कौन सा ग्रेटर है। फिर अच्छा उसके लिए क्या करेंगे, नहीं देगा गार्बेज वैल्यू, ये लो वन।
अगर कोई दूसरी कंडीशन होगी, कोई भी कंडीशन होगी, तो अभी 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 क्या सीन है? ठीक है, नहीं बताओ अब क्या होगा? अगर मैं इक्वल नंबर डालूंगा तो क्या होगा? इनवैलिड और इक्वल नंबर आ जाएगा। ठीक है चलो ट्राई करते हैं। नंबर वन एंटर करते हैं 21, नंबर टू एंटर करते हैं 121। क्या लिखा हुआ है जी नंबर? क्यों नंबर टू वाकई में ग्रेटर है क्या? वाकई में ग्रेटर है। गुड, 1 2 3 4। हाँ करते हैं, 1 मिनट, 1 2 3 4। अब कौन सा नंबर ग्रेटर है? नंबर वन। -1 21। कौन सा नंबर? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या समझ में नहीं आया? यार ये नंबर छोटे बड़े नहीं हो रहे, ये तो नंबर मैं खुद एंटर कर रहा हूँ ना, यूजर इनपुट लिया मैंने। ठीक है हो गया रहा है कि मैंने यहाँ पे पहले नंबर का इनपुट लिया सर, फिर मैंने दूसरे नंबर का इनपुट लिया, ये रहा स्कैनर के थ्रू, ये फर्स्ट नंबर का इनपुट, ये सेकेंड नंबर का इनपुट। अब मैंने चेक ये करना था कि ये दोनों नंबर जो मैं एंटर कर रहा हूँ इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। देखो तुम कभी जाओगे ना, कभी ऐसा होता है छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं या कोई भी स्पेस हो गई, दो तीन लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अब वो इंटर्नी हायर कर रहे होते हैं। ठीक है तो इंटर्नी से इस तरह की कुछ चीजें पूछते हैं कि यार दो नंबर में इनपुट है। ठीक है अब आप कैसे देखोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है? तो आप क्या करोगे, आप उनको बोलोगे कि यार मैं क्या करूंगा, सिर्फ चेक कर लूंगा एफ एल से कि कौन सा नंबर बड़ा है। अच्छा इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा आपने क्या करना है, सिर्फ आपने ये देखना है इसमें से नंबर वन नंबर टू से बड़ा है, अगर तो बड़ा है तो आप कह दो भाई नंबर ग्रेटर देन है। अच्छा ये माइनस के साइन को सेंस कर लेता है। ठीक है अगर मैं माइनस में वैल्यू लिख रहा था तो इसने कहा कह दिया कि जी नंबर जो टू है वो ग्रेटर है क्योंकि नंबर टू की वैल्यू प्लस में थी। ठीक है तो ये माइनस में नंबर्स को सेंस कर लेता है, तो इस बात का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर यूजर माइनस में वैल्यू एंटर करता है तो क्या होगा। ठीक है ये जाहिर हैंडल कर लेगा, अर्थमेटिकल ऑपरेटर है उनको ये डील कर लेता है। इसके अलावा क्या कोड, क्या हो गया भाई इस स्क्रॉल बार की चल रही है? अच्छा जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखो अली इंक्लूड मैथ जब करेंगे जब हमें इसका कोई मेथड चाहिए होगा, अभी हमें तो उसका कोई मेथड नहीं चाहिए ना मैथमेटिक्स का, हमें कोई मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स मेथड या कोई ऐसी चीज जो कि इनपुट और आउटपुट वाली लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं करती, कोई टिपिकल लाइब्रेरी है, स्क्वायर रूट वाली लाइब्रेरी है, स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन है एक्स, अगर मुझे वो चाहिए तो मैं क्या करूंगा उसके लिए फिर मैं इंक्लूड मैथ डॉट एच करूंगा, क्योंकि वो फिर नॉर्मल जो stdio.h0 वाली जो लाइब्रेरी है इसके साथ डील नहीं कर सकती, और डील इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर मैथ के फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट के अलावा भी काफी बनने पड़े हुए। ठीक है यहाँ तक मसला है जी कोई? जी ठीक तुम 300 मरतबा लगा लो, 300 मरतबा लगा लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है आपने चेक करना है तीन नंबर यूजर एंटर करेगा, अब आपने चेक ये करना है कि तीन नंबर है ना तो तीन में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है जो ग्रेटर नंबर होगा ना बस वो लिख देना, कोई सा भी जो भी ग्रेटर नंबर होगा ना तीनों में से बस वो लिख देना। अब इसमें 3 मरतबा या 4 मरतबा ही एलसीएफ लगेगा। ठीक है तो ये ट्राई करना है, ट्राई क्या करना है, जो रोज की डेली असाइनमेंट है क्लास के उनमें से आज का असाइनमेंट क्लास का यही है। ठीक है अच्छा
जी बोलो। जैसे यहाँ पे दो नंबर देना, मैंने दो नंबर का इनपुट लिया तो मैं तीन नंबर का इनपुट लेना है, और मैं क्या कर रहा हूँ दो नंबर्स के अंदर बता रहा हूँ कि नंबर ग्रेटर कौन सा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तुम्हें क्या करना है अपने प्रोग्राम के एंड पे, तुम्हें ये बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, बस। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कंडीशन बढ़ानी पड़ेगी यकीनन, ठीक है। एल्स इफ की कंडीशन तुम्हें जरा बढ़ानी पड़ेगी, और कोई काम मुश्किल नहीं है, काम इस तरह से होगा, यही पैटर्न फॉलो करेंगे, लेकिन तुम्हें कंडीशन थोड़ी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा एक और काम ये करना है कि मॉड्यूलस निकालना आता है, मॉड्यूलस में क्या होता है? जी सर, डेफ सी प्लस प्लस। यार इन लोगों से भी बोलो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करने, जल्दी जल्दी से, तो ये फ्री होना चाहिए यार। जल्दी जल्दी कर लो भाई, जल्दी ये कौन कर रहा है भाई, ये कौन कर रहा है? हाँ सही है, प्लेन वाइज स्क्रीन मैंने शेयर की हुई। सिर्फ छह स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी नौ आ रहे थे, तीन कहाँ हैं? असद को बुलाओ, असद को बुलाओ, असद को बुलाओ, सरमत को बुलाओ, सरमत को थोड़ा यहाँ पे। हाँ ये किसके यहाँ परिंदा बोल रहा है? ये तुम लोग क्या, तुम्हें से कोई बात कर रहा है क्या उससे? मरवानी जी, प्रोग्राम तो तुमने सबमिट किया है, ये चल रहा था सही? ये जो प्रोग्राम तुमने सबमिट किया है ये सही चल रहा था? चलो अच्छी बात है। अच्छा मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास है यार, अभी पता चला। खैर लेते हैं आधे घंटे बाद लेते हैं। हाँ ऑनलाइन क्लास है, अभी लेते हैं आधे पौन घंटे बाद लेते हैं। बाय बाय। नहीं 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 कोई 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 नहीं जी, नहीं जी नहीं, कोई कोई जल्दी ख़त्म नहीं हो रही क्लास, टाइम पर ख़त्म होगी क्लास अपने। अच्छा तो भाई, अरे ले लेंगे बहुत सारे, वहाँ पे टेंशन नहीं होती। वो सर से मैंने कह दिया सर थोड़ा लेट स्टार्ट करेगा, मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ। मैंने बोला हाँ मसला नहीं है, 1 बजे तक कर लेंगे स्टार्ट। खैर अच्छा
कहाँ पर है भाई? अली रेहान है हमारे पास, शेख मरवान है, सैयद हमजा अली है, सारिम है, हमजा है, मोहम्मद अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला तुम कहाँ थे? अब्दुल्ला है, नईम है और असद भुट्टो है। नहीं है तो सरमद नहीं है, और भी कोई नहीं है। असद भी आ गए। हाँ असद आ गए। असद का माइक ऑफ है, माइक डिसेबल है बिल्कुल। अच्छा खैर हम लोग व्हाइट बोर्ड पे थे ना, तो अच्छा व्हाइट बोर्ड का सीन ये है कि मॉड्यूलस हम देख रहे थे, ये डिवाइड का ही साइन है, ऐसा ही है। मैंने सही लिखा है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। टू टू जा बिल्कुल सही है। सब लोग एक मरतबा कह रहे हैं बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, चैट के अंदर बेशक कह रहे हैं सर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मेरा बताने का मकसद ये है, ठीक है, मेरा बताने का मकसद ये है कि आप ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू सही है। ये ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। कैसे 2 आया? कि 2 1 2, 2 2 4। मरवान माइक बंद करो अपना, बहुत जोर आता है तुम्हारी तरफ से। अच्छा अब ऐसा करो, अपना माइक ओपन करो मरवान, अपना माइक ओपन करो और उसका जो रुख है ना वो स्पीकर से हटा लो, अपने मुंह की तरफ करो। माइक की डायरेक्शन तुम्हारी तरफ हो, माइक की डायरेक्शन स्पीकर की तरफ हो रही है, इसलिए आवाज जो है वो गूंज रही है बहुत ज्यादा, इको इसीलिए क्रिएट होता है। सही, गुड। अच्छा कोई एक बंदा भी आया था और चला गया शायद, 11 लोग हुए थे शायद अभी। भाई अभी व्हाइट बोर्ड पे जितना काम किया वो सही है। देखो 2 को मैंने 4 से डिवाइड किया, यानी 4 को 2 से डिवाइड किया, तो क्या हुआ? 2 2 4। ये जो बचती है वैल्यू इसे क्या कहते हैं? और ये जो बचती है वैल्यू इसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं इसे, और इसे क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट कहते हैं, कोशेंट कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कहते हैं ना इसे। किसी की मैथ अच्छी हो तो वो मुझसे, इसको आंसर कहते हैं, ये क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन ही हमारा आंसर होता है ना। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आंसर होता है। डिवीजन के सिले में जो इस कैप के ऊपर वैल्यू बचती है वो आंसर होता है, जबकि मॉड्यूलस के सिले में अगर मैं कहूं ए वैल्यूज ध्यान में रखना अपने, तो आंसर क्या आएगा? क्यों 0 आएगा? क्योंकि ए इज डिविजिबल बाय बी, सो आंसर विल बी 0। रिमाइंडर विल नथ, यानी हमें रिमाइंडर में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, देयर विल नथिंग वी फाइंड, मैंने हमें कुछ भी रिमाइंडर के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए मुकम्मल तौर पर बी से डिविजिबल है, 4 जो है वो पूरा तौर अच्छी तरह से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो रिमाइंडर में कुछ बचेगा नहीं। अभी तुम लोगों ने डिटरमाइन ये करना है, यूजर से इनपुट लोगे, ठीक है, और इनपुट लेने के बाद ये 2 काम है आज के, 2 काम है, ये 2 काम है आज के, कि यूजर से तुम इनपुट लोगे और यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसका तुम मॉड्यूलस लोगे 2 से। अगर तो आंसर 0 आता है तो तुम यूजर को आंसर क्या, तुम क्या शो कराओगे? कि जी आपकी जो वैल्यू है वो इवन है। अगर आंसर 0 नहीं आता तो क्या कराओगे? एल्स पे क्या रखोगे? कि जी आपकी वैल्यू जो है वो ऑड है।
है। ऐसे 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 ए परसेंटेज भी हाँ ना बिल्कुल। लो एक बंदा कम हो गया भाई, शाबाश। 10 से 8 हो गए, क्या बात है भाई। तुम लोग की अटेंडेंस मार्क होगी यार, जाओ नहीं, छोड़ो नहीं इसे। जो भी लीव कर रहा है कम से कम वजह तो बताए मुझे, या जो अगर डिस्कनेक्ट भी हो रहा है मुझे कांटेक्ट तो करे कम से कम। बड़े को बेवकूफ इंसान है ये, लीव कर रहा है। अटेंडेंस लगानी होगी मुझे भाई किसी वक्त। खैर तो तुम लोगों ने करना क्या है, ए डिविजिबल बाय बी चेक करना है। अगर तो ए तो हम तुम लोग लिखोगे कैसे, इफ इक्वल इक्वल टू 0 तो फिर क्या हो जाएगा। जी जी अभी मैं कोड नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से डिफाइन करोगे। रिजल्ट के अंदर ए परसेंटेज बी रखा होगा, और इसको अगर 0, अगर तो ये 0 हुआ तो फिर क्या लिख दोगे तुम ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स में, कि जी आपका जो नंबर है गिवन वो इवन है। जी कोई कुछ यार उससे बोलो ज्वाइन तो कर ले कम से कम। नेट स्लो हो गया बिल्कुल, हल्के नेट में कम से कम कुछ लैग के साथ चलेगा, चलेगा तो देख के तो समझ जाएगा कुछ ना कुछ। सिर्फ असद नहीं गया, कोई और भी गया है, हमजा अली भी शायद चला गया है। हमजा अली इज गॉन, हमजा अली भी गया। ठीक है तो अच्छा एक बात का ध्यान रखना कि ये जो नंबर है ना इवन और ऑड वाले, इनका ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि तुम इवन पे ऑड शो करा दो, ऑड पे इवन शो करा दो। तो मैसेजेस का ध्यान रखना, मैसेजेस सही रखना उसके अंदर। अच्छा थोड़ा नेस्टिंग कर लेते हैं एफ एल्स के अंदर, क्योंकि जाहिर है वो नेस्टिंग भी तो है ना हमारे सेशन के अंदर। लोड एक तरह से तुम लोगों का रिवीजन ही हो रहा है पुरानी चीजों का। सिर्फ जो इसमें जो सी के अंदर तुम लोग नई चीज पढ़ोगे ना वो मल्टी डायमेंशनल एरेस पढ़ोगे, बाकी एरेस भी तुम लास्ट उसमें पढ़ चुके हो। मल्टी डायमेंशनल एरेस पढ़ोगे और फंक्शन की यहाँ पर एक टाइप और पढ़ोगे, रिटर्न टाइप के जो फंक्शन होते हैं, रिटर्न टाइप विद एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स। बस ये एक नई टाइप और पढ़ोगे यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर, बाकी फंक्शन तक तुम लोगों ने पहले पढ़े हैं। ठीक है लेट्स से मैं ये कर देता हूँ, एंट नम इज इक्वल्स टू 14। हम पिन को चेक करते हैं, एटीएम पिन का सिनेरियो सा बनाते हैं छोटा सा। मैंने तुम लोगों को काम बनाने को दिया था आई थिंक पहले कभी, लेकिन हिसाब से नहीं बना। एंट पिन पिन कॉमा अकाउंट कॉमा, अच्छा एटीएम पिन है ठीक है, अकाउंट है, और अब अकाउंट के अंदर सीन ये है कि मैं चेक करूंगा कि पहला अकाउंट है सेविंग या करंट। ठीक है इसके बाद क्या होगा, ट्रांजेक्शन या तो बिल पेमेंट। ये चलो मैं एक ही नेस्टिंग करता हूँ, इसके अंदर मल्टीपल नेस्टिंग तुम लोगों ने करनी है। मैं एक नेस्टिंग करके दिखाता हूँ, इसके अंदर एक और नेस्टिंग ट्राई करना। दो वेरिएबल बना रहा हूँ फिलहाल मैं, और इफ प्रिंटर जी आ रही है सर, तुम्हें आ रही है मेरी आवाज। तो असल हम वो कर रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स जो हमने पहले भी कर चुके हैं। ठीक है तो नेस्टेड इफ एल्स के अंदर होता क्या है, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन बनती है, क्या होता है सारे। एग्जैक्टली तो हम क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल, एक कंडीशन बना रहे हैं जिसके अंदर यूजर अपना पिन एंटर करेगा। ठीक है
अब यूजर का एंटर किया हुआ पिन, यूजर क्या एंटर किया हुआ पिन अगर बराबर होगा वो पिन के, जो मैं इफ के अंदर चेक करूंगा। अभी ये जो पिन है वो पिन मैं स्टैटिकली खुद दूंगा, लेकिन आप आगे जाकर जब आप सी शार्प पढ़ रहे होंगे और डेटाबेस के साथ काम करोगे, उस टाइम से क्या करोगे, ये जो पिन है ये अपनी डेटाबेस से लेकर आओगे। यानी अगर यूजर का एंटर किया हुआ पिन आपकी डेटाबेस वाले पिन के बराबर होगा तो फिर आप क्या करोगे, आगे का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करवाओगे। ठीक है? अच्छा टू टू थ्री थ्री, तो आप क्या करो प्रिंट करा दो। वेलकम यूजर, सेलेक्ट एन अकाउंट टाइप, बैक स्लैश है, अब इसको करंट दे दो, मतलब इसको करंट देने का मतलब है कि इसको एक अकाउंट की टाइप दे दो, करंट सेविंग टू डॉट करंट। ठीक है, इतना प्रोग्राम चल गया, इसको रन करके देखते हैं। 2233 है पासवर्ड, याद रखना। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स, उम्मीद है कि सही जगह सेव हुआ होगा। 2233, अभी तक बिल्कुल सही सही आंसर आ रहा है जी। आप इसने मुझसे कहा कि आपने बिल्कुल सही लिखा, आप अकाउंट की जो टाइप है वो एंटर करें, तो पहले इसने मुझे करंट सेविंग दिया, उसकी करंट दी है। अब लेट्स से यूजर क्या करता है, यूजर ने इतना काम तो कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एक स्लैश दे दो ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, फिर एंटर हो जाए। अब मैंने कंडीशन देखनी है, हाँ अली पूछो। हाँ क्या नहीं करेंगे, यूजर इनपुट पे जो है 223 जो है पिन, ये मैं चेक करवा रहा हूँ कि अगर यूजर का पिन एंटर किया हुआ पिन जो यूजर एंटर कर रहा है वो बराबर है इसके, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं पहले से पिन पिन ये क्रिएट करवाऊं। चलो, अरे यार तुम पहले बोलो, ये रहो यूजर और इसका भी इनपुट ले लो, क्रिएट योर पिन। क्रिएट योर पिन, ठीक है, और यहाँ हमने लिखा परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड, मसला यहाँ तक? हाँ अली मसला, ये कॉपी करो। अब जो भी पेन मैंने क्रिएट किया ना, न्यू पेन में जो भी पेन मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, उस पिन के बराबर मुझे पिन देना होगा तो मेरा अकाउंट सही क्रिएट हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 4, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ठीक है, गलत पिन एंटर किया था, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। 1 2 3, 1 2 3, प्रोग्राम आगे बढ़ गया। सही है? ठीक है अली। अच्छा अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगानी है जी। अब इसने क्या चेक किया है, अब मैं इससे इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो इनपुट मैं ले लूंगा कैन एफ, डेटी कॉमा और अकाउंट, आई थिंक अकाउंट क्या था, अकाउंट
परसेंट अकाउंट, ठीक है एम परसेंट अकाउंट आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूँ कि जी अगर ये अकाउंट 1 के बराबर होता है, इफ इफ वन के बराबर होता है, तो जी आपने करंट अकाउंट सेलेक्ट किया है। हाँ बिल्कुल आपने करंट अकाउंट सेलेक्ट किया। अच्छा मैं कोशिश करूँ सेंटेंस फिलहाल पूरा नहीं लिख रहा मैं, और वरना else else आपने अकाउंट सेलेक्ट किया है कौन सा। अच्छा वन पे सेविंग है, मैं वन पे सेविंग अभी कर दूंगा, मेरे टाइम से निकल गया था, वन पे शायद सेविंग है। और हम देख लेते हैं दोबारा से। हाँ वन पे सेविंग है, टू पे करंट है, तो यहाँ पे सेविंग आ जाएगा, सेविंग्स अकाउंट है। ठीक है तो भाई आप क्या करो, ठीक है हुआ क्या, अब एक लिस्ट चली और उस लिस्ट के अंदर मुझसे पिन मांगी गई, मैंने पिन क्रिएट किया, पिन एंटर कर दिया, अकाउंट ओपन हुआ। ठीक है इसने मुझसे मांगा कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मैंने कहा टू, तो इसने मुझे कह दिया जी करंट अकाउंट है। ठीक है अब लेट से इसने मुझसे ये मुझसे कहेगा मजीद क्या आप करंट अकाउंट आपने सेलेक्ट कर लिया, आप करंट अकाउंट के अंदर आप क्या चाह रहे हो, आपको लेट से कोई ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है कोई डेटा चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, आपको बिल पेमेंट करनी है, आपको पैसे निकालने हैं, आपको कैश विड्रॉ करना है, कैश डिपॉजिट करना है, क्या करनी है। ठीक है अभी मैंने फिलहाल वो कोई कंडीशन नहीं बनाई, मैंने कंडीशन इस फाइल्स की भी नेस्टिंग नेस्टेड इफ फाइल्स की भी कंडीशन नहीं बनाई है जी, बस मैंने करंट अकाउंट का काम करना है। ठीक है अभी क्लास खत्म होने से पहले 1 बजे तक का टाइम है तुम लोगों के पास, पूरा 1 घंटा है तकरीबन, इफ फाइल्स पहले पड़े हुए हैं इसलिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, पूरा पूरा मुझे एक एक वर्ड समझाना नहीं पड़ा, 1 घंटा है तुम लोगों के पास, डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करो वो भी हो जाएगा। ठीक है अगर 1 घंटे में कर सकते हो, अगर क्या 1 घंटे में करके दे दो। ठीक है इस वक्त रुक जाओ, कितने लोग हैं, ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है इसको आगे बढ़ाना है, और आगे इस तरह से बढ़ाना है कि हम देखो यहाँ पे करंट करंट अकाउंट पर आए, सेविंग अकाउंट पर आए फर्स्ट में, ये देखो अकाउंट सेविंग। अब सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट के अंदर तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा करंट बैलेंस कितना है, करंट बैलेंस कुछ भी अपनी मर्जी से दिखा देना। ठीक है यूजर करंट बैलेंस चेक करना चाह रहा है, यूजर के पास कोई भी लेट से कोई कैश विड्रॉ करना चाह रहा है या बिल पेमेंट करना चाह रहा है, अगर यूजर कैश विड्रॉ पे क्लिक करे तो उसको एक ऑप्शन, उसको एक आंसर दिखा देना कि जी योर कैश विड्रॉ इज इन द पेंडिंग, या कुछ भी मैसेज दिखा देना। ठीक है यानी इस कंडीशन के अंदर मजीद कंडीशन बनानी है तीन, एक कंडीशन के अंदर तीन मजीद कंडीशन और इस एक कंडीशन के अंदर मजीद तीन कंडीशन। ठीक है अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट से कौन सी वाली, हाँ 1 बजे तक करके दे दो, 1 बजे तक करके दे दो वो वाला काम, ये वाला काम कर दो, ये काम कर लो, दोनों में से कोई भी एक काम लो, चॉइस है 1 बजे तक अभी, या तुम वो जो इवन वाला काम मैंने दिया ना, इवन नंबर वाला काम जो भी दिया ना मैंने, इवन नंबर वाला काम दिया मैंने अभी मरवान, हाँ मॉड्यूलस वाला, एग्जैक्टली मॉड्यूलस वाला भी, और सुन लो एक तो मॉड्यूलस वाला और एक वो वाला ग्रेटर नंबर चेक करने वाला। ठीक है या तो ये दोनों काम 1 बजे तक कर लो, या तो फिर ये जो एल्स इफ वाली नेस्टेड इफ एल्स वाली कंडीशन है ना, ये एक कंडीशन बना दो, या तो वो दो काम या तो ये एक काम, इसमें ये काम करना है। हाँ सुनो इसमें ये काम करना है, ये सेविंग्स अकाउंट जो है ना इसकी कंडीशन को मजीद नेस्ट करना है, यानी इस कंडीशन के अंदर फिर एक और कंडीशन बनानी है, यहाँ पर एक और कंडीशन बनाओ कि जी अगर आपका सेविंग अकाउंट है, ठीक है आपका सेविंग अकाउंट है, अब आप क्या लेना चाहेंगे इसके अंदर, आप कैश विड्रॉ करना चाहेंगे, आप बिल पेमेंट करना चाहेंगे, या आप क्या करना चाहेंगे, यूजर फर्ज करो कैश विड्रॉ की तरफ जाएगा, यानी वन प्रेस करके कैश विड्रॉ की तरफ जाएगा, तो उसको कहो कि जी आप कैश विड्रॉ भी नहीं कर सकते। ठीक है कुछ
कुछ भी एरर दे दो, बिल पेमेंट की तरफ जाएगा तो उसको उसको कह दीजिए बिल पे हो चुके हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर मजीद एक कंडीशन बनानी है, तीन कंडीशन बनानी है बेसिकली, कैश विदड्रॉ की, बिल पेमेंट की और फंड ट्रांसफर की, ठीक है, करंट में भी और सेविंग में भी। सही है, या तो ये कर लो या तो मोबाइल में दो काम कर लो। यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे ऐड करो, सुनो, यहाँ पे बैक स्लैश एन करके ऐड करो कि भाई आप करंट, आप पैसे, आप बिल पेमेंट करना चाहेंगे, कैश विड्रॉ करना चाहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में यूजर से लो इनपुट, क्या अली, क्या कह रहे हो? हाँ 1 2 3 वाले, वो या इसी लाइन में दे दो ना बैक स्लैश एन करके, तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, वहां कोड के जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर, ठीक है। ये दो, और भाई यहाँ पे जो लिखा हो गया बैक स्लैश एन के बाद, जब कोड प्रिंट होगा, जब रिजल्ट आएगा तो वो अगली लाइन में आ रहा होगा ना, इस लाइन में तो शो नहीं होगा ना, है ना। हाँ यहाँ पे लिख देना कि इफ दिस दिस, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर कोड में लिखना है यहाँ पे कि भाई अगर, तो यूजर की एंटर की भी वैल्यू 1 के बराबर होती है तो आप कैश विड्रॉ पे ले जाओ, अगर एल्स इफ 2 के बराबर होती है तो आप बिल पेमेंट पे ले जाओ, एल्स इफ 3 के बराबर होती है यूजर की वैल्यू तो आप किस पे ले जाओ, फंड ट्रांसफर पे। ऐसे ही यहाँ पे करंट वाले में काम करना है, या तो ये कर लो, ठीक है, या तो ये तो दो काम दिए थे, एक तो ये वाला नंबर वन और नंबर टू ग्रेटर में से कौन सा है, या तो वो इवन ऑड वाला, यानी ये दो काम, कौन सा नंबर ग्रेटर है और इवन ऑड, या तो ये कर लो या तो ये इफ नेस्टेड इफ एल्स वाली कंडीशन पूरी कर दो। वो कर लो, चॉइस है, चॉइस है, जो एटीएम वाला करना चाहेगा वो एटीएम वाला कर ले। मैं कोड अभी रख रहा हूँ, मैं कोड अभी रख रहा हूँ क्लासरूम पे, जो एटीएम वाला करना चाहे वो एटीएम वाला कर सकता है जी। जिसने ग्रेटर देन और लेस देन वाला कर दिया, ठीक है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ये करूंगा कि मैं उसको समझा दूंगा दूसरा वाला, और जिसने एटीएम वाला कर लिया, ये वाला एटीएम वाला कर लिया तो वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कंडीशन समझ जाएगा और अच्छी तरह से। ग्रेटर देन वाला, तुम्हें ये ग्रेटर देन वाला भी करना है फिर, और तुम्हें इवन और ऑड वाला भी करना है, तो दो काम है ये एक साथ, क्योंकि छोटे छोटे काम है ये। इवन और ऑड वाले में ये करना है, दो नंबर का मॉड्यूलस लो, अगर वो मॉड्यूलस 0 के बराबर आता है, इफ के अंदर चेक करो कि अगर रिजल्ट, जिस रिजल्ट के अंदर पड़े हुए ए परसेंटेज बी, फर्ज करो ये लिखा हुआ है ए परसेंटेज बी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, और ये रिजल्ट के अंदर पड़े हुए हैं, अगर ये रिजल्ट 0 के बराबर होता है तो लिखा बता दो कि आपके यूजर जो इनपुट है वो उसके बराबर है, किसके बराबर है यार, वो इवन है। अब एक नंबर का इनपुट लोगे इसके अंदर, इवन आउट के अंदर बस एक नंबर का, शुरू का नंबर इनपुट लो और उसको 2 से मॉड्यूलस करा दो, यानी ए इस तरह से, ए परसेंटेज 2, ए यूजर इनपुट से आएगा और 2 तुम्हारा अपना है बस, और ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट अगर इक्वल टू होगा 0, ऐसे इससे ऊपर दोगे ना, हाँ ना, इससे पहले दोगे ताकि वो मॉड्यूलस का रिजल्ट रिजल्ट के वेरिएबल में आ जाए, और रिजल्ट के वेरिएबल को इसके अंदर चेक कराओ कि अगर रिजल्ट बराबर होता है 0 के, इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है। या तो ये दो काम कर लो या तो वो नेस्टेड इफ एल्स वाला काम कर लो। हाँ नहीं, तुम्हें लिखना है, एक मिनट रुकना जरा, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्कैन एफ, ये नंबर का इनपुट लिया तुमने, ठीक है, अब तुम यहां वाली लाइन में क्या करो, एज मॉड्यूलस 2, अगर एज बराबर होती है 0 के, देखो कितना तो बता दिया, सिर्फ कोड करना रह गया, एज डबल इक्वल टू 0 तो आपका नंबर इवन है, यानी एज क्या, ये वाला रिजल्ट जो है ये, रिजल्ट के अंदर ही आ जाएगा एज मॉड्यूलस 2, और यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट,
रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं कोड ये रख रहा हूँ। अब कौन सा काम करोगे जो मुझे ये दो काम करके दिखाएगा, और मुझसे यानी उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है वो इफ एल्स वाला काम, तो उसको मैं करके दिखा दूंगा, और अगर जिसने मुझे वो इफ एल्स की नेस्टिंग वाला काम करके दिखा दिया तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दो नंबर का क्वेश्चन है ये। अब सोचो इफ एल्स का एक काम करके दो नंबर मिल रहा है, ये दो नंबर का क्वेश्चन है। मैं अभी गूगल क्लासरूम पर टास्क असाइन कर रहा हूँ, दो नंबर का क्वेश्चन है ये। एक काम करके भी दो नंबर मिल सकते हैं और वो दो काम करके भी दो नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, ट्राई करो, लेकिन सबमिट करना 1 बजे से पहले पहले, 1 बजे से पहले पहले। लेट करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, और आज वाकई में नंबर नहीं दूंगा, लास्ट क्लास में तो फिर भी सबमिट कर लिया था, इसलिए टाइम दे रहा हूँ ज्यादा है भाई। अब पहले कर लो तुम, अभी 12:12 हो रहे हैं। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ। और अच्छा सुन लो, असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है, मैं इसकी वीडियो इस पे रख रहा हूँ तुम्हारे उस पे क्लासरूम के ऊपर, अभी पोस्ट कर रहा हूँ फौरन फौरन। 10C हाउ टू सबमिट, अरे हाँ भाई 10 मिनट रहेगा, पता है, डांट रहेगी तो बेचारा आके। ठीक है, ठीक मैक्सिमम लोग ऑनलाइन है इस वक्त। अभी ऑफलाइन ना हो गए, मैं स्नैपशॉट ले रहा हूँ, सेव करूंगा ये। बस हो गया, डेट क्या है आज? ठीक बस ये सेव हो गया, वीडियो अपलोड हो गई है, पोस्ट कर रहा हूँ ये, और कोड भी रख रहा हूँ उसके बाद। अच्छा कोड में जिप करके रख रहा हूँ, तो जरा ध्यान रखना, कोड जिप करके रख रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर लेना। एंड कर रहा हूँ मीटिंग को 1 बजे से पहले पहले। ये वीडियो सबमिट करने का, असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका है यहाँ पे क्लासरूम पे, इसको देख लेना, वैसे सबमिट करना असाइनमेंट जैसे इसमें हुआ बस। ठीक है, एंड कर रहा हूँ मैं।